दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्योपैथी रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों टाइफाइड फीवर के न जाने कितने केस हमारे पास आते हैं और हम लोग दवाइयां देते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक समस्या आती है कि टाइफाइड फीवर तो ठीक हो गया तकरीबन 10 दिन में 15 दिन में या महीने भर में, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को एक कंप्लेंट आती है कि उनको भूख नहीं लगती, उनकी भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में दो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है 2 हफ्ता। आप देखेंगे कि आपको जो टाइफाइड फीवर हुआ है उसके बाद जो भूख बंद हो गई थी वो भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी एकदम अच्छा हो जाएगा। सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है चाइना 30। 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच ताजे पानी में खाने से पहले लेंगे। और दूसरी दवाई है दोस्तों हाइटेस्टस कैन मदर टिंचर, ये 10-10 बूंदें आधे कप ताजे पानी में मिलाकर आप कुछ भी खाने के बाद लेंगे जो भी आपका मन है। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में जब दवाई असर करने लगेगी तो आप धीरे धीरे करके आपकी भूख बढ़ जाएगी और आप खाना खाने लग जाएंगे। तकरीबन 3 हफ्ते तक इस दवाई का इस्तेमाल करें, आपकी रिकवरी भूख की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक से बनेगी। धन्यवाद दोस्तों।